फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो सबसे पहले इसमें जान लिया जाए डेसिमल और बाइनरी होती क्या है। तो जो बाइनरी नंबर होती है उसकी बेस होती है 2 और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0 और 1 से। और जो डेसिमल नंबर होता है इसका बेस होता है 10 और इसको रिप्रेजेंट जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है 1, 2 अनलिमिटेड काउंटिंग है जो कि कभी रुकती नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, डेसिमल नंबर में दे रखा है 21, तो इसको एक्सप्रेस करना है हमको जो कि कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो सबसे पहले देखो 21 को हम जब सबसे पहले बाइनरी नंबर बेस 2 होता है 2 से डिवाइड करेंगे, तो 21 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10 और रिमाइंडर बचता है 1। अब ये जो 10 आया है इसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, रिमाइंडर बचा 0। अब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आया 2, रिमाइंडर बचा 1। दोबारा जो हमारा 2 आया इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 0। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, जैसे कि 1 0 1 0 1, तो हमने लिखा 1 0 1 0 1। अब इसको चेक करते हैं, देखो हमने बाइनरी नंबर बना लिया, अब बाइनरी से डेसिमल कैसे किया जाए इसको चेक करते हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके। तो देखो जो हमारे बाइनरी नंबर है उसके बेस 2 है, तो 2 की हम पावर लेंगे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देखो 2 की पावर 0, जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसकी जगह आ गया 1, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1। अभी आ गया 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये आ गया 2 का स्क्वायर जो कि 4, 4 को मल्टीप्लाई 1 से किया 4, 2 की पावर 3 जो कि 2 की 8 हो गई, पावर 2 की पावर जो इसका आंसर आएगा 8 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0, यहाँ पर हो गया 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16। अब इन सबको जो प्लस करते हो हमारा आंसर है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेते हैं 35। अब देखो 35 को 2 से डिवाइड किया आंसर आया 17, रिमाइंडर बचा 1। अब 17 को 2 से डिवाइड किया आंसर आया 8, रिमाइंडर बचा 1। अब 8 को डिवाइड कर दे 2 से तो आंसर आया 4, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से करते हैं 4 को, 2 आया आंसर आया 1, रिमाइंडर 0। अब इसको फिर से नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 1, सेम ऊपर वाले की तरह चेक करेंगे इसको भी। उसके बाद हमारा आता है, अब मान लो पॉइंट वाला आ जाए तो पॉइंट वाले को कैसे कन्वर्ट किया जाए, डेसिमल वाले को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए जो आगे वाला है 41, इसको हम करेंगे डिवाइड मेथड से और पीछे वाले को हम मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे। तो डिवाइड वाला सेम ही है, 41 को 2 से किया आंसर 20, रिमाइंडर 1, 20 को 2 से किया आंसर 10, रिमाइंडर 0, 10 को 2 से किया तो 5 आंसर रिमाइंडर 0, 5 को 2 से किया 2 रिमाइंडर 1, और 2 को 2 से किया तो 1 रिमाइंडर 0। नीचे से ऊपर की तरफ मेंशन कर देंगे। अब मल्टीप्लाई वाले की बात की जाए, देखो नीचे से ऊपर की तरफ हमने इसको मेंशन कर दिया 1 0 1 0 0 1। अब उसके बाद पॉइंट था तो हमने पॉइंट मेंशन किया। अब मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी पॉइंट के आगे नंबर आता उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। जैसे कि पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया ये 1 जो आ रहा है इसको हमने आगे नोट डाउन किया। अब जो पीछे का बचा ये 1 हमने नोट कर लिया तो इसके जगह बचेगा 0। अब 0 लगा के इसको मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर यहाँ 0 आया तो हमने 0 नोट कर दिया। अब ये जो पीछे का इससे दोबारा पॉइंट के बाद वही लेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आया 1, फिर से दोबारा इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दोबारा 1 आया। इसको चेक करने का तरीका है कि इसको 1 बाय बेस में 2 की पावर 1 2 की पावर 2 करके चेक किया जाता है और इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लो 1 की पावर 2 है तो 1 की पावर 2 को जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, ऐसे ही इसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 हो जाएगा। अब 1 को 1/8 से करते हो मल्टीप्लाई करके डिवाइड तो आएगा 0.25। इस तरह आपको मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड करके चेक किया जाना है तो इससे हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो अब देखो हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है कि इसकी जो बेस पावर होती है 16 होती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से 9 तक नंबर होता है और ए से एफ तक अल्फाबेट होते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका है पावर में लिखा जाए 0 की पावर 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। अब ये बताता है कि कितने बार 0 और 1 आएंगे, जैसे कि 2 की पावर 0 है इसका मतलब 1 है, तो एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 इस तरह रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ 2 की पावर 1 दी है इसका मतलब 2 आ जाएगा,
इसका मतलब 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 ऐसी 2 की 4 है 2 की 2 तो इसको रिप्रेजेंट किया 4 आ जाएगा 4 बार रिपीट करेंगे और ऐसी 2 की पावर 3 जिसका 8 आएगा 8 बार 0 आएंगे। तो इस तरह हमको पहले रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि एग्जांपल में देखो ये छोटा कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये पूरी हमने टेबल इस तरह रिप्रेजेंट की, जैसे 01 01 01 ऐसे करते रिपीट किया, इसमें 00 01 00 01 और यहाँ पर 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1 और ऐसे यहाँ पर 8 टाइम 0 8 टाइम 1। अब क्वेश्चन में हमको ये दिया है 10 100 10 0 10 1 1 0 1 0 1 1 1 1। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे से चार चार के बिट तोड़ेंगे, या 4 4 यहाँ तोड़ दिया, फिर 4 यहाँ तोड़ दिया, फिर यहाँ 4 तोड़ दिया। अब जो आगे कम पड़ता है उसके आगे हम 0 0 लगाएंगे। अब 0 0 लगाने के बाद अब इसको चेक किया जाएगा कौन से नंबर पे आता है। जैसे कि हमारा ये 0 0 1 0 अभी ये कहाँ पर है 0 0 1 0 तो इसका आंसर आ गया 2। ऐसी 1 0 0 1 1 0 0 1 ये किस पे आ गया 9 पे 1 0 1 0 किस पे आ रहा है A पे 4 बार 1 जो कि F पे। तो इस तरह हम बाइनरी टू हेक्सा करते कन्वर्ट। और मान लो इसी को दोबारा चेक करोगे तो ये जब नंबर हेक्सा में दिया तो यही नंबर आपको रिटर्न बैक साइड से लिखते आना है, आगे से कभी मत लिखना, हमेशा पीछे की तरफ से लिखते आना इसके नंबर को। ऐसे इस क्वेश्चन को देखो नीचे दिया है। अब मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको डायग्राम को, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखो 2D5T5 अब इसकी बेस दी है 16। अब 16 को कैसे किया जाए, 16 का था ये हेक्साडेसिमल में क्वेश्चन दिया तो ये एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन आता है, बीसीए के अंदर तो खासतौर पर। तो देखो पीछे 5 है तो 5 को कैसे लिखेंगे 1 0 1 0 तो हम लिखा 1 0 1 0। अब डी की जगह क्या है हम पे 1 0 1 1 1